हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? हम समझते हैं ठीक होंगे आप लोग। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, और उसमें भी एफ ब्लॉक में एक सेकेंड नंबर वाला प्रॉपर्टी था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। उसके कंसिक्वेंस में या इफेक्ट में हम लोग आप लोगों को संजोग से तीन इफेक्ट तक बताए थे। उसके बाद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण हम आगे नहीं बतला पाए थे। तो उसी का जो 5 से 10 मिनट लगेगा बच्चों इस वीडियो में, इसी को हम यहाँ आगे पूरा कर दे रहे हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो जरा सा वो जो पीछे वाला जो हम यूट्यूब पर ये किए हैं उसमें लेंथेनाइड पार्ट 1 लिखेंगे, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और इसमें लिखेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पार्ट 2, और ऊपर पर क्लियर हम लिख भी देंगे बचा हुआ पार्ट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लेंगे जरा सा उसके बाद यहाँ, ठीक है? तो हम लोग उसमें दो नंबर सॉरी तीन इफेक्ट तक जाने थे। चौथा नंबर इफेक्ट जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो थोड़ा सा इसको अब पहले जान लेते हैं, छोटा जैसा ये वीडियो बनेगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्षारीय प्रवृत्ति, हाइड्रोक्साइड का क्षारीय प्रवृत्ति। थोड़ा सा सुन लो जरा सा, लेंथेनाइड संकुचन का तो मतलब समझ रहे हम कि परमाणु संख्या 57 से 71 तक का जो तत्व है उसका साइज क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड पहले क्या कह रहा है वो जो लेंथेनाइड जो है उसका अधिकतर केस में उस पर जो चार्ज होता है ना वो +3 है। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, अगले दिन यही चीज पढ़ना है। लेंथेनाइड पर जो चार्ज है, लेंथेनाइड को शॉर्ट में LN लिख दिए, ठीक ना? उस पर चार्ज कितना है? 3। और हाइड्रोक्साइड जो कहते हैं वो होता है OH-। लेंथेनाइड को तो शॉर्ट में LN से, और लेंथेनाइड का जो कॉमन स्टेट है ऑक्सीडेशन वो +3 है, मतलब अधिकतर केस में आपको +3 चार्ज इस पर दिखे, हाइड्रोक्साइड का -1। तो बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे कि इस रूप से कंपाउंड बनता है, जो चार्ज होता है वो अदला बदली कर देते हैं। तो लेंथेनाइड का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसका फॉर्मूला यही होगा, LnOH3। क्या होगा फॉर्मूला? LnOH3, ठीक ना? जैसे अब देखो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड तो LaOH3, सीरियम का हाइड्रोक्साइड तो ऐसा, परासोडाइमियम का हाइड्रोक्साइड तो इस तरीके से। ये हाइड्रोक्साइड का पहले फॉर्मूला हुआ, ये क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ, ठीक ना? ये क्या है? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। किसका हाइड्रोक्साइड? लेंथेनाइड का। ये जो लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है इसका क्षारीयता बेसिसिटी डिक्रीज करते जाता है, घटते जाता है, कहां से कहां जाने पर? लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक 71 नंबर तक, लेंथेनम से कहां जाने पर? ल्यूटेटियम तक जाने पर ये बेसिसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। बेसिसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है, घटता है। बेसिसिटी या क्षारीयता क्या होता है? घटता है। कहां से कहां जाने पर? लेंथेनम से ल्यूटेटियम 57 से 71। काहे भाई? काहे कि लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाने पर आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब ई जो क्षारीयता घटता है इसके पीछे कारण क्या है कि इसका साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उसी कारण, नहीं तो ऐसा होता नहीं।
एक बार और सुन लो, 57 से 71 तक अगर बढ़ेंगे तो उसका जो हाइड्रोक्साइड है ये सब, इसका क्षारीयता क्या होते चलेगा, घटते जाएगा। काहे कि इसका आकार क्या होता है, घटता है। दिक्कत कुछ है बच्चों इसमें? तो हम लोग उसी को लिखते हैं। ये जो बेसिसिटी लिखे हैं ये आपके समझने के लिए दर्शा दिए हैं कि ये जो हाइड्रोक्साइड होगा लेंथेनाइड का, उसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ठीक ना, और इसका क्षारीयता क्या होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। तो वही यहां पर लिखेंगे, देखो यहां बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज, घटता है ऑन मूविंग लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, या 57 to 71 नहीं होता, इसे कर दो एटॉमिक नंबर 57 टू कहाँ तक, ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। हिंदी में लिख देते हैं इसे, परमाणु संख्या, या ऐसे लिखो लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड का क्षारीयता, कहाँ से कहाँ जाने पर, का क्षारीयता परमाणु संख्या 57 से 71 तक जाने पर घटता है, ठीक ना। ऐसे लिख देते हैं, LaOH3 लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड, परासोडाइमियम हाइड्रोक्साइड, और डैश डैश करके 71 नंबर वाले का होता ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। अगर इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्षारीयता क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज है, क्षारीयता घटता है। तो ये किसके कारण है बच्चों, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। ये चौथा नंबर इफेक्ट है किसका, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का। किस चीज पर है ये इफेक्ट, तो इसके क्षारीयता पर। जल्दी से इसको लिखिए, एक और है प्रॉपर्टी, एक और इफेक्ट इसका है, वो भी बतला देते हैं। देखो बच्चों, हो गया, ये लिख लिए होंगे, एक और चीज छोटा बात जान लो इसी में। देखो ये जो हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो अपना लोग जानते हैं कि बंधन दो प्रकार का, एक कोवेलेंट और एक आयनिक, बच्चा में भी लोग पढ़ता है सहसंयोजी और आयनिक बंधन। ये जो इतना सारा हाइड्रोक्साइड है, इसी में एक चीज और जोड़ दे रहे, इस सब हाइड्रोक्साइड में धातु का OH से बंधन है, धातु का OH से बंधन है OH से। ये जो धातु और OH के बीच का जो बंधन है, धातु को मेटल M से दिखा दिए, अब जो हो जाए, ये जो बंधन है लेंथेनाइड में, मतलब ये एम जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 57 से 71 तक। इस बंधन का जो कोवेलेंट नेचर है, सहसंयोजी जो गुण है, वो बढ़ते जाता है कहां से कहां जाने पर, 57 से 71 तक। क्षारीयता घटता है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, ये जो कौन सा सहसंयोजी गुण है, ये बढ़ता है। कहोगे सर ऐसा का है, सबके पीछे रीजन वही है, एक ही है, काहे कि इसका आकार घटता है, किसका, लेंथेनाइड, इसका एम का, उसी कारण। एम ओ एच बॉन्ड
MOH बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज इंक्रीजेज या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर MOH बंधन का सहसंयोजी गुण का सहसंयोजी गुण बढ़ता है का सहसंयोजी गुण बढ़ता है क्योंकि काहे बढ़ता है क्योंकि धातु का या कैटायन बोल दो कैटायन ये जो M है ये तो कैटायन है Al+3 Cl+3 अभी समझाए अभी उसी से नहीं है इस कैटायन का आकार घटता है और कैटायन का आकार जैसे घटेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है कैटायन का आकार घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ये नियम है फेजाम्स रूल है ठीक है ना उस पर आधारित ये हम लोग बात बोल रहे हैं ये पता रखना है क्षारीयता तो घटता है लेकिन ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि धातु का आकार घटता है धातु का आकार घटता है या कैटायन भी वहां लिख देते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कैटायन लिख देते यहाँ कैटायन ठीक है बच्चों धातु या कैटायन का आकार घटता है ऊपर वाला तो लिखिए लिए हो इसको हटाते हैं तो ये चार गो इफेक्ट है किसका यहाँ इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का कितना इफेक्ट है चार इफेक्ट है एक बार फिर से सुन लो बात एगो जो आज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में बताया है उसी का ये सेकेंड पार्ट है छोटा जैसा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज दिक्कत हुआ था तो हम सोचे उसको पूरा कर देते हैं एक और अब जान लेते हैं लेंथेनाइड संकुचन का रीजन क्या है हो गया ये तो चार इफेक्ट है इसका एक और इफेक्ट जानिए लो ना तब उसको भी काहल छोड़ोगे ठीक है चलो ये भी जान लो थोड़ा सा एगो रिडक्शन पोटेंशियल शब्द आया था पांचवा नंबर रिडक्शन पोटेंशियल तब जानेंगे रीजन रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा सुनो अवकरण विभव क्या नाम है अवकरण विभव रिडक्शन पोटेंशियल या अवकरण ये जितना भी लेंथेनाइड है इसके रिडक्शन पोटेंशियल का भी मान बढ़ता है कहां से कहां जाने पर लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक 57 से 71 तक अगर अपना लोग बढ़ेंगे तो इस रिडक्शन पोटेंशियल का भी मान क्या होते जाता है एकदम इंक्रीज करता है बढ़ते जाता है 57 से कहां जाने पर 71 तक जाने रीजन पता है आपको सबके लिए रीजन वही है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ठीक ना तो रिडक्शन पोटेंशियल का मान कहां से कहां जाने पर बढ़ता है इट इज इंक्रीजेज ऑन मूविंग एटॉमिक नंबर 57 to 71 परमाणु संख्या 57 से 71 तक जाने पर अवकरण विभव का मान बढ़ता है ठीक है बच्चों जल्दी से इसको लिख लो जगह है तो भी अभी आगे नहीं बतलाएंगे एगो अब खाली रीजन बताना कि 57 से 71 तक जाते हैं तो आकार आखिर में काहे घटता है मतलब लेंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है ये बताना है अपने लोग को जल्दी से इसको लिख लो तब वो रीजन बताएंगे तब बस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन टॉपिक खत्म ठीक ना जल्दी से लिख लो चलो हो गया होगा ये लिखा हुआ अब रीजन जान लेते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है रीजन ऑफ
लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, रीजन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसका क्या कारण ना? कुछ ध्यान में है तुम्ही लोग खुद बोलो। लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। अभी अब तक अपना लोग पढ़े थे क्या चीज कि किसको कहते हैं और इसका इफेक्ट क्या था, तो पांच इफेक्ट, दोनों वीडियो को जरूर देखना है, ठीक ना। नेटवर्क के कारण उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो हम उसी को पूरा कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा रीजन क्या है, काहे रेडियस घटता है ये जानते हैं हम। दो गो खाली नाम लेकर के इसको पूरा करते हैं, 57, इसी से समझ लो। 57 नंबर का नाम है 58 लिखो, 59 और 60, तीन नाम, सीरियम, परासोडाइमियम, नियोडाइमियम हो गया। कन्फिग्रेशन अगर लिखता ना कोई आदमी तो ऐसे लिखे, जेनोन 54, ये सब नहीं भूले हो, 56, 5D1 57, 4F1 58। इसका जब लिखोगे तो ऐसा होगा, जेनोन 6S2 तो 54, 56, 4F3 59। इसका जब लिखोगे तो जेनोन 6S2 4F4। अगर फोटो बना करके देखोगे, थोड़ा सा गौर करना, कुछ है नहीं, अगर इसका फोटो बनाने लगोगे ऊपर वाले का, 6 गो डब्बा दिखाना पड़ेगा, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। निचला भी दिखाओगे तो उसमें भी डब्बा क्या गो बनाओगे बच्चों, 6 गो, काहे कि कक्षा क्या गो है, 6 गो, 1, 2, 3 एगो लो इसी बीच में दिखा दिए, 4, 5 और एक ये 6। देखो कक्षा तो सब में 6 गो है, सुनना आप पहले बात, अब मेन बात गौर कर, कक्षा तो सब में 6 गो। तुम जैसे ही 58 से 59 पे आओगे तो ये जो प्रोटॉन का संख्या है 58 वाले में 58 गो, 59 वाला में प्रोटॉन क्या गो है, 59 गो, जो कि किसको खींच रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन किसको खींच रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है, 6s में कि 5d में कि 4f में, 4f में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, f में, इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, f, लेकिन f है किसका, चौथा का, और वो चौथा कहाँ पर है, छठा, पचमा, चौथा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो यहाँ पर। और इस इलेक्ट्रॉन का एगो गुण है कि ये लास्ट वाले को रिपेल करता है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो रिपेल ही करेगा, का है उस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी क्या है, माइनस चार्ज। लेकिन जितना वो ये एफ वाला उसको रिपेल करेगा, जितना ये एफ वाला उसको रिपेल करेगा उससे ज्यादा कहीं आकर्षित करता है। कहोगे का है, एफ ब्लॉक का जो सेप है वो चपटा है, दबाया हुआ है, एफ ब्लॉक का जो सेप है वो कैसा है, चपटा है, दबाया हुआ है, उस कारण से ही ज्यादा रिपेल नहीं कर पाता है। नहीं अगर ज्यादा रिपेल कर देता तब तो आकार बढ़ जाता, इलेक्ट्रॉन दूर हट जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर हट जाएगा तो रेडियस बढ़ जाए, तो ये ज्यादा विकर्षित नहीं कर पाता है। काहे नहीं कर पाता है ज्यादा विकर्षित, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा एफ वाला वो चपटा होता है, एफ का सेप ही दबाया हुआ है, उस कारण से ही ज्यादा इसको विकर्षित कर पाता नहीं है, इसीलिए अपना साइज जो है हमेशा घटते चला जाता है। एक बार और सुन लो, जैसे जैसे हम लोग 58 के बाद 59, 60 पर आते हैं तो प्रोटॉन का संख्या तो बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से खींचेगा,
लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहा है, 4f, 4f है कहाँ, अंदर में, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा, लेकिन f वाला ज्यादा दूर हटा पाता नहीं है। काहे नहीं हटा पाता है, काहे कि इसका शेप कैसा होता है, डिफ्यूज, और ज्यादा जब नहीं विकर्षित कर पाएगा तो ये खींचा हुआ ही रह जाता है, तो आकार छोटा होता जाए, काहे छोटा होते जा रहा है, काहे प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, वो तो ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसको ज्यादा आकर्षित करेगा, छोटा होगा। क्लियर है बच्चों? हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो कोई आदमी अगर एक लाइन में रीजन पूछे, तो 57 से 71 तक जाते हैं तो रेडियस घटता है, किसके कारण से, तो लिखेंगे एटोमिक नंबर बढ़ने पर नंबर ऑफ प्रोटोन बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, 4f में, और f का जो साइज है वो चपटा होने के कारण ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल नहीं कर पाता है, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव, ये ज्यादा नहीं होता, ठीक ना, इसी शील्डिंग इफेक्ट के कारण f का ये क्या होता है, इसका साइज हमेशा घटते चला जाता है। क्लियर है बच्चों? इसको लिखते हैं, अब देखो जरा सा यहाँ पर, ठीक ना, लिख दे रहे हैं इसे, एज भी अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ मूव, एटॉमिक नंबर 58 to 71, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है किस में, इंक्रीजेज इन एफ ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट विच इज या हुज शेप इज डिफ्यूज, जिसका कि शेप कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है, सो इसीलिए इट डज नॉट रिपेल द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 6s एंड इट्स साइज, एंड साइज ऑफ लेंथेनाइड डिक्रीजेज रेगुलरली, लेंथेनाइड डिक्रीजेज रेगुलरली। ये जो हम लोग डिफ्यूज्ड शेप कह रहे हैं बच्चों, उसका एक और नाम यहाँ पर देते हैं हम लोग, और उसी का नाम हम लोग बोले थे, क्या चीज, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक ना, क्या चीज बोले थे उसका नाम, शील्डिंग इफेक्ट, और ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ का ज्यादा, मतलब एफ में ये आवरण खूब ज्यादा लगा रहता है, ये दूसरे को रिपेल नहीं कर पाता है, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जैसे जैसे हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग 58 से 71 तक बढ़ते हैं, प्रोटॉन का संख्या बढ़ते जाता है एवं इलेक्ट्रॉन का संख्या F में बढ़ता है। F का आकार डिफ्यूज्ड या चपटा लिख सकते हो, डिफ्यूज्ड होने के कारण यह 6s के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विकर्षित नहीं कर पाता है एवं इसका आकार क्या होते जाता है, इसका आकार लगातार घटते जाता है। तो मेन रीजन क्या है कि एफ का जो है आकार एकदम डिफ्यूज्ड है, और इसका शील्डिंग इफेक्ट खूब ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट खूब ज्यादा होता है, मतलब ये रोक देता है, ये अपना इफेक्ट जो है इस इलेक्ट्रॉन का जो विकर्षण वाला इफेक्ट है उसको यह लगने देता नहीं है, ठीक ना। ये है रीजन इसका, काहे घटता है, समझ गए होंगे।
हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोनों को बच्चों एक साथ देख लेना, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पार्ट वन और ये है पार्ट टू। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले दिन।